को इंसान है। तो कौन सी हील्स चाहिए आपको और ड्रेस कौन सी? मुझे फोन चाहिए। तुम्हारा फोन? फोन क्यों? मैं तुम लोगों के साथ भाग के आई ना, वहां कबीर के सामने रेस्टोरेंट में फोन करके मैं सरप्राइज कैसे प्लान करती? सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? हार्ट शेप केक, फ्लावर्स, चॉकलेट्स। ओ दी, आपकी बातें सुनकर आई फील लाइक फॉलिंग इन लव। पिया, पिया फोन, पिया फोन। दी, हम लोग ना मोबाइल पे गाने डाउनलोड कर रहे हैं, तो आप कॉर्डलेस ले लीजिए, ठीक है? बापरे, बहुत लेट हो गया है। मैं चेंज करती हूँ और साथ में फोन पे बात भी कर लूंगी। तुम लोग बाहर जाओ और मेरा वेट करो, मैं आती हूँ। दीदी, मैंने इतने सारे कपड़े निकाले हैं, आप एक तो चूज कर लीजिए। ये वाली अच्छी है। सुनो, तुम लोग ना कबीर भैया को अंदर मत आने देना, वो सरप्राइज है ना, तो अगर कबीर भैया अंदर आ जाएंगे तो सरप्राइज का प्लान खराब हो जाएगा ना। ओ दी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम है ना। थैंक यू, चलो जी यार। जानता हूं तुम्हारे दिमाग में कुछ तो चल रहा है। नो एंट्री। मेरी वाइफ को कहां छोड़ा तुमने? अंदर है, चेंज कर रही है, लेकिन किसी को भी अंदर जाने की कोई परमिशन नहीं है, आपको तो बिल्कुल भी नहीं। पिया, कम ऑन, मेरी वाइफ है। फिर भी कोई चांस नहीं। चलिए अब जाइए यहाँ से और दिल थाम के बस आदित्य दी का इंतजार कीजिए। क्या हो रहा है यहाँ? देखिए ना मॉम, आदित्य दी अंदर चेंज कर रही है और कबीर भैया की अंदर जाना चाहते हैं। वो अंदर तैयार हो रही है ना, तो उसे अंदर आराम से तैयार होने दो। तुम लोग भी ना चाहते हो कि बीवी लाखों में एक लगे, लेकिन टाइम नहीं देते। अरे मामी, लड़कियां अपनी ड्रेस और अपने मेकअप से कभी खुश होती हैं? उन्हें तो पकड़ के बाहर लाना पड़ता है। कोई चांस नहीं, आदित्य दीदी अंदर आपके लिए सरप्राइज प्लान कर रही हैं। और आप है कि माता रानी, प्लीज मेरी मदद कीजिए। अंकल प्लीज फोन उठा लीजिए, प्लीज मुझे आपकी जरूरत है। हेलो। अरे अंकल, अंकल। अदिति बेटा, मुझे पता था कि तुम मुझे फोन जरूर करोगे। क्या बात है? अंकल मेरी मदद कीजिए, मैं आपको समझा नहीं सकती, लेकिन मुझे आपकी मदद चाहिए। उस दिन तुम्हें देखते ही मैं समझ गया था कि कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है। तुमने भी छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे लग गया था कि तुम किसी न किसी वजह से सहमी हुई। देखो बेटा, मैं तुम्हारी हर मदद करूं, तुम एक काम करो, कल सुबह मेरे ऑफिस में आकर मिलो। नहीं नहीं अंकल, मैं ऑफिस में आ पाऊंगी, कभी मुझे आने नहीं देगा, वो हर समय मुझ पे नजर रखता है, तुमको मैं बता भी नहीं सकती कि यहाँ मैं हूँ क्या रहा है। ओह गॉड, मुझे इसी बात का डर था। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें घर पर आकर मिल लेता हूँ। अंकल घर
घर पे नहीं, कभी मुझे आपके साथ अकेला बैठने ही नहीं देगा। आप मुझसे पिकेट ले आके मिलेंगे रात को 9 बजे। मैं कबीर के साथ डिनर के लिए जा रही हूँ। आप आएंगे ना वहां पे? मैं वहां पहुंच जाऊंगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। लेकिन मैं आपसे मिलूंगी कैसे? वो तुम मुझ पर छोड़ो, ओके? थैंक यू, थैंक यू, बाय। दीदी और कितना टाइम लगेगा? आ रही हूँ, बस मैं आ रही हूँ, 2 मिनट। तुम चिंता मत करो, अरे अंकल अब तुम्हें मैं जरूर छुड़ा लेंगे, बस थोड़ी देर पर। दीदी जल्दी करो। आई क्या बात, सब ठीक तो है? भगवान करे कि सब ठीक हो, बस एक अर्जेंट काम है इसलिए जाना है। एक्चुअली अदिति ने फोन किया था, मुझसे होटल पिकरेलीज में मिलना चाहती, तो एक काम करो मेरे आज के सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो और हम कल सुबह 10 बजे मिलते हैं, राइट? सर कल सुबह आपकी अर्ली मॉर्निंग मुंबई के लिए फ्लाइट है, हाई कोर्ट में अपीयरेंस है। अरे हाँ, इन सब में तो ये सब भूल ही गया। कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, यहाँ से सीधा ऑफिस चलते हैं, वहां से मैं टिकट्स पिकअप करके सीधे पिकरेलीज चलते हैं। ओके ओके सर, चलो। परी, कबीर तो भाग्यशाली है। ओह माय गॉडनेस, व्हाट इज द लवली क्लॉथ। मैं भी ना अपने दर्जी से कह के सेम टू सेम सिलवाई। रानी क्यों अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी से हमारा सर दुखा रही हो? हम सबको हिंदी समझ में आती है। यस। क्या बात है, पहले तो तुम उसे तैयार नहीं होने दे रहे थे, बेसब्री के मारे दरवाजा खटखटा रहे थे, और अब इसे देखकर नजरें नहीं हट रही हैं। चलिए यहाँ समय बर्बाद मत कीजिए, परी को डिनर के लिए ले जाइए आप। नाटक और देर खींचना भी नहीं है। तुम
गाड़ी यहाँ से रोकी है तुमने? मुझे यहाँ इंतजार करना बहुत अच्छा लगता है। कर रहे हैं मेरा सब गलत ही निकला। इसे दुख अदिति को खोने का नहीं है।